सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं मयंक S41 यूट्यूब चैनल। सो गाइस, देखते ही देखते पूरा साल निकल गया और अपन वीडियोस बना रहे हैं अभी भी। तो ये गाइस आज का फाइनल वीडियो होने वाला है, मतलब ये साल का आखिरी वीडियो होने वाला है गाइस। तो यहाँ पे आज अपन लोग करने वाले हैं अपनी साइकिल में BMX का स्पॉकेट और क्रैंक सेट इंस्टॉल, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभी इसमें ये दूसरा वाला स्पॉकेट लगा हुआ है, जो इसमें पहले नॉर्मल वाला आता था पर वो थोड़ा बड़ा रहता था, उसके टीथ ज़्यादा थे। और अभी यहाँ पे तीन वाला लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं गियर पूरे लगे हुए हैं सब प्रॉपर 1 2 3। तो 3 स्टेप गियर लगे हुए हैं अभी मेरी साइकिल में। इसका शिफ्टर नहीं है भले ही, पर यहाँ पे 3 शिफ्टर वाला लगा हुआ है अपने पास। तो यहाँ पे अपन इंस्टॉल करने वाले हैं BMX का स्पॉकेट। आप लोग देख सकते हैं BMX का स्पॉकेट मेरे पास हैगा और इसको मैं लगाने वाला हूँ अपनी ही साइकिल में। तो आप लोग देख सकते हैं ये अपन मेरी साइकिल में लगाने वाला हूँ मैं तो, और इससे किस तरीके की फिटिंग आने वाली है और कैसा ही दिखने वाला है, तो चलिए चेकआउट करते हैं गाइस। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और ये साल का आखिरी वीडियो है तो इसमें वो सपोर्ट चाहिए पूरा पूरा आप लोगों का, तो इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर दो, प्यारा से एक कमेंट कर दो नीचे जाके फटाफट, और अपने एक दोस्त के साथ शेयर कर दो। तो चलिए गाइस, ये स्पॉकेट अपनी साइकिल में अपन लगाते हैं। सो गाइस, सबसे पहले ये वाला स्पॉकेट क्रैंक सेट लगाने के लिए अपन को यहाँ के जो पुराना वाला अपना क्रैंक सेट है इसको बाहर निकालना पड़ेगा, ये वाला भी और वो वाला भी। तो इसके लिए आपको ये वाला नट खोलना पड़ेगा और इसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसको मैं जल्दी से कर लेता हूँ एंड आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसे निकलता है ये। सो गाइस, फाइनली यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने अपना BMX का क्रैंक सेट यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया और यहाँ पे इस पर भी थोड़ी भी चेन वेन उतरने की प्रॉब्लम नहीं आ रही है। एंड यहाँ पे मैं इसको चढ़ा के इसको फर्स्ट गियर पे देखता हूँ कि किस तरीके से पिकअप वगैरह यहाँ पे आ रहा है, तो वो चीज़ में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से काम कर रही है। तो चलिए गाइस, ये आप लोग पूरा लुक चेकआउट करें गाइस किस तरीके का साइकिल पे आ रहा है। पर इसमें एक ड्रॉबैक भी है कि यहाँ पे आपके पैडल साइज जो है वो छोटा हो चुका है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पैडल साइज आपका वो भी छोटा हो चुका है, तो वो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। एक चीज़ यहाँ पे हो सकती है, आप इसको यहाँ से कटवा दीजिए एंड ये वाला हिस्सा भी यहाँ से कटवा के आप इसमें वेल्ड करवा सकते हैं, तो ये चीज़ एकदम सही प्रॉपर काम करेगी। अगर आप लोगों को ये टॉपिक पर पूरा वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट करना, मैं आपको एक एक प्रोसेस बता दूंगा कि किस तरीके से ये कटेगा और किस तरीके से वो अपनी साइकिल में लगेगा, एक प्रॉपर चीज़ कैसे हो सकती है। तो यहाँ पे आपको मैं इस पर गियर डाल के दिखा देता हूँ, कोई इशू तो नहीं आ रहा है या फिर कुछ और दिक्कत तो नहीं आ रही है। चलिए इसके गियर चेंज करके अपन लोग देख लेते हैं। तो गाइस, मैं यहाँ पे पैडल लगा रहा हूँ इसमें और यहाँ पे मैंने गियर लगा दिए, तो अभी ये थर्ड गियर तक ही जा पा रहा है और बहुत स्मूथ काम कर रहा है गाइस। जो गाइस मैंने इसमें कस्टम मेड वाला लगाया था वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था, वो यहाँ पे चेन उतर रही थी, बहुत कुछ हो रहा था, पर इसमें ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, इसमें कोई चेन वगैरह उतरने की प्रॉब्लम नहीं आ रही है। मैं आप लोगों को इसको चला के भी दिखा देता हूँ एक बार कि किस तरीके से ये चल रहा है। तो गाइस, मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे चला के दिखा देता हूँ, अभी साइकिल है थर्ड गियर में और मैं आपको इसको चला के दिखा देता हूँ। एक्चुअली गियर्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, इस पर भी एक वीडियो आने वाला है, तो इस कि गियर फर्स्ट गियर लग नहीं रहा है, आप लोग जैसे कि देख सकते हैं फर्स्ट गियर पे थोड़ा हिस्सा ही अटक रहा है। तो यहाँ पे मैं चलाता हूँ इसको, तो काफ़ी बहुत स्मूथ चल रहा है, मतलब बहुत पैडल्स बहुत ज़्यादा छोटे हो गए हैं पर चल बहुत स्मूथ रही है साइकिल, आप लोग बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रही है गाइस साइकिल। तो इसका प्रॉपर रिव्यू गाइस मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा जो कि कल आएगी 1 तारीख को, तो आपको उसमें प्रॉपर चीज़ें पता लग जाएंगी कि किस तरीके से यहाँ पे ये चीज़ें वर्क कर रही हैं और कैसा फीडबैक है इसका। तो आपको एक वो शॉर्ट वीडियो में मेरा पूरा रिव्यू मिल जाएगा आप लोगों को, क्योंकि मैं इसको सुबह रन डाउन करके देखूंगा जब मैं साइकिल चलाने जाऊंगा। जो इसका बीच वाला एक्सल है आप लोग देख सकते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम भी आ रही है, एक पैडल सीधा एक पैडल टेढ़ा है, तो उसका एक्सल भी चेंज करवाना है, उसमें पूरी ग्रीसिंग वगैरह भी होनी है, तो इस चक्कर में भी बहुत सारी चीज़ें दिक्कत कर रही हैं अभी साइकिल में। तो आप लोगों के लिए बहुत सारा कंटेंट आएगा, 365 डेज पूरी पूरी वीडियोज़ आने वाली है, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए गाइस, सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ क्विक लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, ऐसे मॉडिफिकेशन अपने चैनल पे आते रहते हैं तो सब्सक्राइब करके रखो। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड हैप्पी न्यू ईयर गाइस।